और सच बताऊं तो मुंह में पानी आएगा। देखिए दोस्तों, ये है फिलहाल चाप का पीस। तो ये चाप का पीस जो है, दोस्तों अब बन गया है। अब मैं इसे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको ये कैसा है। ये रहा कैसा वाह, है, इस पे भी मटन है देखें। ये फ्राइड है ना। हाँ वाह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। तो फिलहाल आज जो है संडे है, और संडे स्पेशल तो आपको पता ही है कि हमारे पास क्या, मतलब कि आज हमारे घर पे क्या बनता है। तो फिलहाल आज थोड़ा गर्मी भी, मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब गुड़गांव से जा चुका है, क्योंकि आज बारिश भी थोड़ा हुआ है यहाँ पे। तो मैं जा रहा हूँ आज लेने के लिए। तो फिलहाल ये क्या मैं लेने जा रहा हूँ आज नॉनवेज में, तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले मैं लेकर आता हूँ, तब तक मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी फिलहाल मटन लेकर। तो पापा जी जो है अभी चावल बना रही है और मैं मटन लेकर आया हूँ, और मटन भी बहुत ही अच्छा फ्रेश मिला है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो ये मटन बहुत ही अच्छा फ्रेश मिला है, तो मैं 1 केजी मटन लेकर आया हूँ। तो फिलहाल जा रहा हूँ अभी मटन बनाने के लिए। तो अभी पुष्पा जी मुझे है इस पे हेल्प करेगी, और आज जो है पुष्पा जी बनाने वाली मटन। क्यों, बिल्कुल पक्का पक्का वीडियो पे नहीं पक्का। ना? तो ठीक है दोस्तों, पहले चेंज कर लेता हूँ पहले मैं जाकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऑलमोस्ट मैं ब्लैक शर्ट भी पहना हूँ तो बहुत गर्मी लग रहा है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ चेंज करने के लिए। तब तक मेरे चैनल को फिर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मटन खाने के लिए जरूर आइए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, पुष्पा जी जो है चावल को अभी पसार रही है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मोटे वाले चावल। और ये है मटन, तो मैं एक एक कर कर मटन को यहाँ पर डाल रहा हूँ, ताकि ये अच्छे से ऑयल और प्याज में मतलब कि मिक्स हो जाए। और सच बताऊँ तो आज जैसा देख रहे हो कि आज मीट मतलब जो मटन जो आया है, ये कलेजी है, और ये बोन वाले पीस भी है जो पुष्पा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं लेकर आया हूँ। तो और ये है चाप, जैसा कि आप देख रहे हो ये चाप। तो फिलहाल जा रहा हूँ मैं पहले इसको ये मिक्स करने के लिए, और इसे अच्छे तरीके से चलाऊंगा। उसके बाद फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगा। तो फिलहाल मैं इसको ये करके छोड़ दूंगा। पुष्पा जी जो है मटन बनाने वाली है। क्यों पुष्पा जी, बनाओगे ना? हाँ, तो आज बनाओगे ना? हाँ, पक्का पक्का। बहुत टाइम से मतलब कि खाने का मन कर रहा था इसके हाथ का मटन, तो फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कितना जल्दी बनने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल जो है अभी जो मटन है, ये पानी छोड़ा था जो ऑलमोस्ट वहाँ पे, जैसा आप देख रहे हो, तो ये छोड़ चुका है। पुष्पा जी जो है यहाँ पे बना रही है मटन। तो क्या है अब नेक्स्ट प्रोसेस पुष्पा जी? अभी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए टाइम है। क्या है फिर भी? अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, लहसुन आदि का पेस्ट। इसके बाद फिर थोड़ा देर फ्राई करेंगे, फिर अदर मसाला भी डालना है। उसमें चाप पीस है और वो चूसता है क्या? हाँ चूसता भी है। तब तो मैं खाऊंगा। तो ये है दोस्तों फिलहाल अभी जैसा कि देख रहे हो कलेजी भी है इसमें। तो ये हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, तो इसे तो अभी और अच्छे से पकाना है, क्योंकि ये बॉन अभी है जो है। ये रहा किडनी जैसा कि आप देख रहे हो, और चाप वाला पीस दिखाइएगा। ये रहा चाप, ये है चाप पीस। तो चलिए दोस्तों फिलहाल ये रहा कलेजी। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इसमें क्या नमक डालोगे ना? हाँ। तो फिर नमक डाल दीजिए, क्योंकि नमक डालोगे तो ये अच्छा से और गलेगा। ओके। तो देखिए दोस्तों ये है नमक, तो पुष्पा जी डाल रही है इसे, और ये स्वाद अनुसार ही डालेगी, पूरा डब्बा तो नहीं डालेगी। और डाल देना है क्या? नहीं हो जाएगा इतने पे ना? चलो ठीक है, हल्दी वही मत डालना, कलर नहीं आएगा। हल्दी पहले डालने से फिर कलर नहीं आएगा फिलहाल। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और पुष्पा जी कितना दिन के बाद मटन खा रहे हो फिलहाल? वही 8 दिन। 8 दिन? 8 दिन नहीं हुआ, चिकन तो पहले खाए थे ना, मटन आज हम लोग खा रहे हैं बहुत दिनों के बाद। क्यों? एक सप्ताह हो गया। तो फिलहाल देखिए अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे तरीके से फ्राई हो। दोस्तों अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है थोड़ा सा, वैसे तो मैंने ऑलरेडी इसमें डाल रखा था मिर्च, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो मिर्च है, ये देख रहे हो जैसे मिर्च मैंने डाला था, लेकिन ये फिर भी पीसा हुआ मिर्च है, ताकि अच्छे में रोगन आए। और प्याज भी इसमें डाला हुआ है, तो अच्छे तरीके से मिक्सी में इसे पीस कर, मतलब कि पीस लिया गया है। और ये सारा काम मैं किया हूँ, पुष्पा जी सिर्फ जो है मटन बनाने का काम कर रही है, बाकी प्याज व्याज सारा मैंने काटा है। क्यों? आज आप हेल्पर हैं। आज हम हेल्पर हैं और ये आज कुक हैं। तो फिलहाल हमारा 2 दिन पहले जो है कमिटमेंट हो चुका था कि नहीं आप बनाओगे और मैं मतलब कि आपको सिर्फ हेल्प करूँगा, क्योंकि बराबर मैं बनाता था और पुष्पा जी हेल्प करती थी। आज जस्ट अपोजिट हो चुका है। तो फिलहाल ये जैसा कि देख रहे हो आप बन रहा है, इसमें फिलहाल पुष्पा जी ने है पानी को थोड़ा सा मिक्स किया है,
क्योंकि अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट गया, अभी हल्का फ्राई होगा तो हम इसे बनाएंगे टमाटर डालकर अच्छे तरीके से। और टमाटर से याद आया, मेरे जो मैनेजर है रवि सर है, फ़िलहाल उनको टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही नॉनवेज में ना ही किसी वेजिटेबल्स में, तो फिलहाल आज तो फिलहाल उनके लिए नहीं बना रहे हम, कभी उनको ज़रूर घर पे बुलाएंगे डिनर पे, क्यों पुष्पा जी, तो उस समय टमाटर नहीं डालेंगे। तो फिलहाल अभी लो फ्लेम पे जैसा कि देख रहे हो अभी ये मटन पक रहा है, तो क्या करना है नेक्स्ट? नेक्स्ट हल्दी डालना है और बाकी मसाले भी डालने हैं, बाकी मसाले जीरा गोलकी धनिया गरम मसाला। चलिए तब तो बढ़िया। और ये मॉडल चावल दिखाओगे क्या जो आज बना है स्पेशल? देखिए वाओ। तो दोस्तों फिलहाल तो मेरे मुंह पे पानी आ रहा है और मैं वेट कर रहा हूँ जल्द से जल्द ये हो जाए, तब तक आप साफ कर लो जो है यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हो फिलहाल ये बर्तन अभी धो रही है यहाँ पे, क्यों पुष्पा जी? तो जल्दी जल्दी ये बर्तन धो रही है क्योंकि मतलब कि साफ हो जाए और फिर खाने के लिए बैठेंगे, क्योंकि हमारा जो है ऑलमोस्ट चिकन मतलब कि मटन बनना स्टार्ट हो चुका है और वो प्रोसेस पे भी है, तो जल्दी जल्दी ये बर्तन धो रही है। तो चलिए दोस्तों पहले बर्तन धुलवा देता हूँ, इसे हेल्प कर देता हूँ इसकी, और उसके बाद फिर खाना निकालते हैं जब बनेगा, तो अभी बनना भी बाकी है तो वो भी दिखाऊंगा कैसा बन रहा है, क्यों पुष्पा जी? तो देखिए दोस्तों फिलहाल पुष्पा जी ने इस पे मटन में मतलब नमक डाला था और नमक ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो बोन है और प्लस मांस वो पकना स्टार्ट हो रहा है, गलना स्टार्ट हो रहा है, तो फिलहाल वेट कर रहे हैं हम भी जल्दी से ये बन जाए। तो फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी मटन जो है ऑलमोस्ट मतलब कि पानी डाल के इसे छोड़ दिया गया था नमक डालने के बाद, अब मैंने इसमें टमाटर डाला है और ये मांस जो ऐसा आप देख रहे हो ये जो पीस है सीने वाला, तो ये ऑलमोस्ट मतलब कि जैसा देख रहे हो कि हड्डी से ये निकलने लगा है फिलहाल, तो ये बहुत ही टेस्टी फिलहाल देखने में भी लग रहा है, अब खाने के बाद ही बताऊँगा। तो फिलहाल अभी मैंने इसमें कुछ भी मसाला नहीं डाला है, अभी सिर्फ टमाटर डाला हूँ, और टमाटर डालने के बाद फिर इसे अच्छे तरह से मिलाने के बाद मैं इसको ढक दूंगा पकने के लिए, जब तक इसका पानी कम ना हो जाए और ये रोबन ना छोड़े, तो मैं इसे ढक देता हूँ फिलहाल। चलिए अब रेडी होने वाला है, अब मैं जा रही हूँ मसाला डालने के लिए। क्या क्या है? पहले हल्दी। ओके तो ये है दोस्तों फिलहाल अभी इसमें हल्दी जा रहा है, और ये है धनिया जीरा गोलकी और ये गरम मसाला। तो फिलहाल अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने जा रहे हैं, और इसका रोगन तो बहुत ही अच्छा भी आ रहा है फिलहाल, जैसा कि देख रहे हो आप लोग यहाँ पे। तो दोस्तों ये अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है मैंने चर्बी डाल के लगी पुष्पा जी ने, और फिलहाल मैं इसको ढक देता हूँ ताकि ये थोड़ा मसाला अच्छा से पके। तो देखिए दोस्तों फिलहाल तो ये जो मटन है ऑलमोस्ट मतलब कि फ्राई हो रहा है, और इसमें अभी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला है, जो कि जैसा कि आप देख रहे हो इसमें रेड, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे से मिक्स करूंगा और थोड़ा सा फ्राई करूंगा, क्योंकि मटन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है और पुष्पा जी इसे फ्राई करने वाली है। तो जैसा कि देख रहे हो, तो पुष्पा जी कैसा लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है क्या? मुंह में पानी आ रहा है? पानी नहीं आ रहा है। नहीं, मेरे मुंह में पानी तो आ रहा है, देखने वाले के मुंह में। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब ये फ्राई होगा, तो फ्राई ऑलमोस्ट मतलब होने ही वाला है। बहुत यमी लग रहा है, अच्छे तरीके से पका भी है। तो फिलहाल जो है अभी बन चुका है मटन और ये है चावल, तो फिलहाल मैं निकालने जा रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो ये चावल है और ये मोटे वाले चावल है, और हम लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं फिलहाल, नॉनवेज के साथ तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये है फिलहाल मटन निकल गया है, और तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा इसमें कलर आया है, रोबन ये देख रहे हो कितना अच्छा रोबन आया, ये देखिए। तो फिलहाल इसे बनाने जा रहा हूँ अच्छे तरीके से, और ये मसाला चिपक रहा है तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगा, और ये थोड़ा सा पानी जाएगा इसमें ताकि मसाला चिपके ना अच्छे तरीके से। कैसा लग रहा है पुष्पा जी आपको देखने में? बहुत टेस्टी यम्मी। तो फिलहाल इसमें कलर ही बहुत अच्छा आया है जैसा कि आप लोग देख रहे हो, और सच बताऊँ तो मुंह में पानी आएगा,
पुष्पा जी को। तो देखिए दोस्तों ये है फिलहाल चाप का पीस, तो ये चाप का पीस जो है पुष्पा जी को मैं देने जा रहा हूँ क्योंकि उसको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो ये चाप का पीस आ गया है चावल पे जैसा कि आप देख रहे हो। और क्या देंगे? दे रहा हूँ। क्या देंगे? दे रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। दोस्तों अब बन गया है, अब मैं इसे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको ये कैसा है। ये रहा, कैसा है कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लग रहा है। और जिसको खाना है वो आ भी सकते हैं, मोस्ट वेलकम उन लोगों के लिए। और वो कटोरा वाला तो दिखाइए, उसपे क्या है? उसपे भी मटन है, देखिए ये फ्राइड है ना। हाँ वाओ, तो आपके मुँह में पानी आ रहा है? बिल्कुल। चलिए चलते हैं खाने के लिए। चलिए देख रहे हो दोस्तों ये बन चुका है, ये फ्राइड चिकन है। पुष्पा जी टेस्ट करने वाले थे, टेस्ट करके बताइए पुष्पा जी कैसा है। आप तो ये है छोटा सा पीस पुष्पा जी ने लिया है करेजी। और कैसा है खा के बताइए? बहुत ही टेस्टी है करेजी ये। और ये खा रही है फिलहाल, मेरे मुंह में पानी आ, तो मैं भी जा रहा हूँ खाने के लिए। बहुत टेस्टी है।